बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर बड़ी खबर, आज सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर बड़ा फैसला। जी हां, 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा को पहले रद्द कर दिया था। आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी बैठक ली जा रही है। जी हां, बात करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। आज सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ कोरोना संक्रमण के हालात जानने के लिए वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक के बाद सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा लेने या फिर रद्द करने पर अहम फैसला हो सकता है। जी हां दोस्ततों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 पर सोमवार 17 मई को अहम फैसला ले सकता है। संभव है कि देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से बिगड़ रहे हालातों के बीच परीक्षा रद्द कर दी जाए। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ कोरोना संक्रमण के हालात जानने के लिए वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर शिक्षा मंत्रालय सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पर अंतिम निर्णय लेगा। हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले से 1 जून को सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पर अंतिम फैसला लेने की तिथि तय कर रखी है, लेकिन हाल के दिनों में हर तरफ से सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है। तो दोस्तों, आज शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हो रही है, जिसके बाद सीबीएसई और अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।